हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8 के इंग्लिश ग्रामर का लेसन 1 करने जा रहे हैं और लेसन का नाम है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन मीनिंग। सो सबसे पहले जाएंगे सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। क्या होता है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो कंप्लीट सेंस हमें देता है। इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। क्या कंटेन करता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कंटेन करता है। ठीक है, वी कैन क्लासीफाई सेंटेंस इंटू 4 काइंड्स बेस्ड ऑन मीनिंग दे कन्वे। क्या चार तरह का सेंटेंस होता है, असर्टिव सेंटेंस, सेकेंड इंटरोगेटिव, थर्ड इंपेरेटिव एंड द फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सो जानेंगे पहले असर्टिव क्या होता है, फिर इंटरोगेटिव क्या होता है, फिर इंपेरेटिव एंड देन एक्सक्लेमेटरी। सो असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस शो स्टेटमेंट। ऐसा सेंटेंस जो हमें क्या करता है, स्टेटमेंट शो करता है। एंड देन आपको बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस दैट हैव एन अफर्मेटिव मीनिंग। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, अफर्मेटिव। नेगेटिव सेंटेंस हैव अ नेगेटिव मीनिंग, दे यूज नेगेटिव वर्ड्स। क्या बता रहा है कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, असर्टिव मीनिंग देता है, और नेगेटिव सेंटेंस होता है क्या, नेगेटिव मीनिंग देता है। तो नेगेटिव मीनिंग देने के लिए उसको वर्ड क्या होता है, नेगेटिव वर्ड यूज करना पड़ता है। जैसे नो, नन, नेवर, नॉट, नो वन, इस टाइप का वर्ड क्या होता है, नेगेटिव वर्ड है, और नेगेटिव सेंस यूज करने के लिए नेगेटिव वर्ड यूज करना पड़ता है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल, शी गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाती है। यानी ये स्कूल जाती है, इसमें कोई क्या होते हैं, नेगेटिव बात या बात नहीं आ रहा, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल देखते हैं, देयर इज नो गुड प्ले ग्राउंड। देयर इज नो गुड, वहाँ पर यहाँ कोई या फिर वहाँ पर कोई भी अच्छा प्ले ग्राउंड नहीं है। यानी क्या हो गया, नहीं ना का बात आ रहा, तो इसका क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। दूसरा देखते हैं, हर ब्रदर इज नॉट इन द टीम, उसका जो भाई है टीम में नहीं है, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। असर्टिव सेंटेंस दो तरह का होता है, अफर्मेटिव, उसमें क्या क्लासिफाई होता है, एक अफर्मेटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। अब आते हैं दूसरे टाइप के सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस आस्क क्वेश्चन, ऐसे क्या होता है, सेंटेंस क्वेश्चन आस्क करता है। तो जैसे कि कौन कौन सा वर्ड उसमें यूज होता है, क्वेश्चन आस्क करेंगे, डू, शुड, वेयर, हैव, कैन, हु, इस टाइप का जो सेंटेंस होता है, वर्ड जो होता है, वो वर्ड यूज किया जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में, ताकि क्वेश्चन पूछ सके। और हमेशा इंटरोगेटिव सेंटेंस जब एंड होगा तो उसमें क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा, और असर्टिव सेंटेंस जब एंड होगा तो उसमें फुल स्टॉप लगेगा। तो इसका एग्जांपल देते हैं, डू यू प्ले चेस, क्या तुम चेस खेलते हो, क्वेश्चन कर रहा है, क्या तुम चेस खेलते हो, तो इसमें क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है, शुड में, शुड आई ज्वाइन द कोचिंग कैंप, क्या मैं कोचिंग कैंप ज्वाइन कर लूँ, तो ये क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, तो क्वेश्चन मार्क लग रहा है। अब जैसे कि हु से बात हो, हु इज योर फादर, तो ये भी क्या हो गया, एक एग्जाम्पल, ये बुक में नहीं दिया हुआ है, अपने से बता रहे हैं, हु इज योर फादर, तो ये क्या हो गया, क्वेश्चन पूछा, तुम्हारे पापा कौन है, इसमें भी क्या होता है, क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्वेश्चन कर रहा है। अब थर्ड टाइप में आता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंस्ट्रक्शन देता है, क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है। सो किस चार तरह के इंस्ट्रक्शन दे सकता है, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट या इंट्रिटी, क्या चार तरह का, जैसे कि ऑर्डर देना, कमांड देना, रिक्वेस्ट करना, इंट्रिटी। ऑर्डर जैसे कि, जैसे एक एग्जांपल ऑर्डर का, स्टॉप इट एट वंस, ऑर्डर दे रहा है कि एक बार में से रोको। कमांड दे रहा है, कॉल द विटनेस, विटनेस को बुलाओ, गवाह को बुलाओ, ठीक है, ऑर्डर ने कमांड दे रहा है। ठीक है, अब रिक्वेस्ट, प्लीज पास द सर्कुलर, क्या बोलते, इस बात तो क्या बोल रहा है कि प्लीज, आप ऐसे भी रिक्वेस्ट में, जब प्लीज वर्ड है, रिक्वेस्ट में ही यूज हम लोग करते हैं। हैव सम पिटी, एटर्निटी में क्या होता है, क्या बोलता है, एग्जाम्पल, हैव सम पिटी, यू इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, यू जो है सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यू जो वर्ड यू है सब्जेक्ट है सेंटेंस का, क्या है, सब्जेक्ट है। एंड नाउ फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जब फीलिंग्स शो करता है तो क्या होता है, उस टाइप का सेंटेंस क्या कहते हैं, हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि जॉय, ग्रीफ, वार्निंग, कंसर्न, फियर, ठीक है, इसमें कौन कौन सा टाइप वर्ड यूज करते हैं, हुर्रे, अलास, बीवेर, ओ डियर, हेल्प, इस टाइप का वर्ड को क्या कहते हैं, हम एक्सक्लेमेटरी वर्ड कहते हैं। ठीक है, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज, सॉरी, मतलब जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज होता है, शो करता है कि क्या, इसको या तो जॉय शो करेगा, या तो ग्रीफ शो करेगा, या वार्निंग, या कंसर्न, या फियर, इस टाइप का चीज। फॉर एग्जाम्पल, हुर्रे, वी वॉन द मैच, मतलब क्या होते हैं, वाह, हम मैच जीत गए। यदि अलास, द लीडर इज नो मोर, अलास वर्ड जो कि डेथ हो जाता है उस टाइम यूज करते हैं। ठीक है, अलास, द लीडर इज नो मोर। बीवेयर, बीवेयर मतलब वार्निंग दे रहा है, बीवेयर, देयर इज पैट होल इन फ्रंट, मतलब गड्ढा है आपके सामने। ओह डियर, यू हैव फीवर, ओह मेरे प्रिय, तुम, ओह डियर होता है ना, डियर मतलब प्रिय मित्र, प्रिय दोस्त, प्रिय वर्ड होता है।
ओह डियर यू हैव फीवर, तुम्हें फीवर है। हेल्प देयर इज अ थीफ इन द रूम, देयर इज अ थीफ इन अ रूम। हेल्प हेल्प क्या हो गया, हेल्प बता बोल रहा है, हेल्प मदद करो, वहाँ रूम में क्या है, चोर है। ठीक, इस टाइप के जो वर्ड है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमेशा एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स का एक लाइन रहता है, नीचे में डॉट, यहाँ पे देखो यहाँ पे शो हो रहा है ना। ये हो गया चार तरह का सेंटेंस, चार तरह का सेंटेंस। अब आगे पढ़ेंगे नाउ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है वो जानते हैं। द फॉर्म ऑफ सेंटेंस कैन बी चेंज विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। सेंटेंस का जो फॉर्म होता है वो चेंज कर सकते हैं बिना मीनिंग का, बिना मीनिंग उसका मीनिंग चेंज किए। जैसे कि एग्जांपल, द प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, और उस प्रोसेस क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। अब एग्जांपल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का क्या है, हाउ ब्यूटीफुल इज द रोज, रोज कितना ब्यूटीफुल है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, ये क्या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, मतलब हाउ ब्यूटीफुल, वाह कितना खूबसूरत फूल है। अब इसको असर्टिव सेंटेंस में कैसे चेंज करें, द सेंटेंस इज सॉरी द रोज इज वेरी ब्यूटीफुल। अब क्या होगा, किस में चेंज हो गया, असर्टिव सेंटेंस चेंज हो गया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या, हाउ ब्यूटीफुल, वाह कितना खूबसूरत फूल है, तो ये कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर दिए, कैसे चेंज किए, द रोज इज ब्यूटीफुल। अब इसको अगर हमको जैसे कि चेंज करना, अगर हमको अब ये रहता है असर्टिव में, इसको अगर एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है तो क्या करते हैं, बस उल्टा कर देते हैं, जैसे कि एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में किया, वैसे असर्टिव से भी हम एक्सक्लेमेटरी में चेंज कर सकते हैं। तो यानी एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में चेंज करने का प्रोसेस क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस विद, और उसमें मीनिंग जो है चेंज नहीं होता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव से नेगेटिव में कैसे चेंज होता है, एंड असर्टिव सेंटेंस कैन बी अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, और असर्टिव सेंटेंस क्या अफर्मेटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। वाइल ट्रांसफॉर्मिंग एन अफर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस इंटू नेगेटिव सेंटेंस एंड एंटोनिम्स कैन बी यूज अलॉन्ग विद द नेगेटिव वर्ड। क्या बता रहा है कि जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस में, तो क्या होता है, एंटोनिम्स जो रहता है कैन बी यूज अलॉन्ग, एंटोनिम साथ में यूज हो सकता है नेगेटिव वर्ड के, सो दैट द मीनिंग रिमेन्स द सेम, ताकि मीनिंग जो है सेम रहे। अफर्मेटिव सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है, ही वॉज प्रोमिनेंट बाई हिज प्रेजेंस। क्या लिखा, अब इसको हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे चेंज किया, ही वॉज प्रोमिनेंट नॉट बाई हिज एबसेंस। ठीक है, दूसरा क्या लिखा हुआ है, ही इज वाइज लीडर, ही इज नॉट अ फुलिश लीडर। क्या कर रहा है, जो मेन वर्ड उसको चेंज कर दे रहा है, उसका क्या चेंज कर दे, जैसे वाइज मतलब क्या होता है, चलाक, फुलिश मतलब क्या होता है, बेवकूफ, जैसे ही इज अ वाइज लीडर, वो एक चलाक लीडर है। तो अब ही, अब इसका चेंज कर दिए नेगेटिव में, चेंज तो कर रहे नेगेटिव में लेकिन मीनिंग सेम निकल रहा है, वह चलाक लीडर है, मंत्री है, नेता है। ठीक है, ही इज नॉट अ फुलिश, वह बेवकूफ लीडर नहीं, यानी बेवकूफ नहीं तो क्या मतलब, उसका मतलब वो चलाक है। इस टाइप में क्या हुआ, चेंज भी हो गया लेकिन उसका मीनिंग चेंज नहीं हुआ। तो लेकिन उसके लिए हम क्या करते हैं, एंटोनिम को यूज करते हैं, किसके साथ, नेगेटिव वर्ड के साथ, ताकि मीनिंग चेंज ना हो। ठीक है, इस टाइप का सेंटेंस क्या कहते हैं, वही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस को कहते हैं। ठीक है, असर्टिव इंटू नेगेटिव। अब असर्टिव को नेगेटिव में कैसे चेंज करते हैं वो देखते हैं। इन द केस ऑफ वर्ब टू बी, एम इज आर वॉज वेयर, क्या होता है, इन केस ऑफ वर्क केस में टू बी एम इज आर वॉज वेयर, सब क्या वर्ब है। ठीक है ना, द वर्ब इज फॉलोड बाई द वर्ड नॉट और इट्स शॉर्ट फॉर्म एन टी। क्या होता है, किसके साथ फॉलो होता है, नॉट के साथ, और उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, नॉट का एन और क्या होता है, कॉमा ऊपर में और टी। ठीक है, एग्जाम्पल दिया, रोहित इज एक्टिंग इन द स्कूल प्ले। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस है कि रोहित जो है एक्टिंग कर रहा है स्कूल प्ले में। ठीक है, अब क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस कैसे चेंज करेंगे, अब रोहित कर रहा है तो यानी कोई नहीं कर रहा, तो चेंज कैसे होगा, मनोज इज नॉट एक्टिंग इन द स्कूल प्ले, मनोज जो है स्कूल प्ले में एक्टिंग नहीं कर रहा है। क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस में चेंज हो गया, नॉट लग गया था, क्या है, नॉट, नो, नन, ये सब जो वर्ड होता है कैसे होता, नेगेटिव सेंटेंस होता, पहले भी हम लोग पढ़े थे। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है, नेगेटिव नॉट इज यूज इन द केस ऑफ द वर्ब हैव, हैज एंड हैड। तो नेगेटिव नॉट जो है कब यूज, कौन से केस में यूज करता है, केस ऑफ द वर्ब हैव, हैज एंड हैड वर्ब के केस में यूज करते हैं। जैसे गोइंद हैज नॉट द बुक,
और ये क्या हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसका नेगेटिव फॉर्म क्या हो सकता है, आरती हैज नॉट गॉट द बुक, आरती को बुक नहीं मिला, ठीक है, ये क्या हो गया नेगेटिव सेंटेंस हो गया। नाउ थर्ड फॉर्म, इन द केस ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब नॉट और एंड अपोस्ट्रॉफी टी इज यूज्ड बिटवीन द ऑक्सिलरी वर्ब एंड द मेन वर्ब। क्या बदल रहा है, जब ऑक्सिलरी वर्ब का जब केस रहता है तो नॉट जो होता है किसके बीच में यूज होता है, यूज बिटवीन द ऑक्सिलरी वर्ब एंड द मेन वर्ब के बीच में नॉट यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल अफर्मेटिव सेंटेंस, जनक इज स्विमिंग वेल, जो जनक जो है अच्छा स्विम कर रहा है, ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। तरुण इज नॉट स्विमिंग वेल, तरुण जो है स्विम वेल नहीं कर रहा है, तो नॉट कब लगता है, ये लिखा ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच लगता है, ठीक है। तरुण इजंट स्विमिंग वेल, नेगेटिव सेंटेंस का दो तरह, इजंट टी अपोस्ट्रॉफी वाला यूज करके दिखाया, नॉट यूज करके दिखाया, और इसके ऑक्सिलरी वर्ब में क्या होता है, मेन वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब दोनों के बीच में नॉट लगता है, ठीक है, उसी का एग्जाम्पल ये दिया हुआ है। नाउ फोर्थ वन, इन द केस ऑफ ऑर्डिनरी वर्ब इंट्रोड्यूस द ऑक्सिलरी डू डज और डिड बिफोर द मेन वर्ब। क्या लग क्या हो रहा है कि ऑर्डिनरी वर्ब में क्या होता है, इंट्रोड्यूस द ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है डू डज डिड कब यूज होता है, बिफोर द मेन वर्ब एंड द वर्ड नॉट बिटवीन द ऑक्सिलरी एंड द मेन वर्ब। बोल रहा है कि जो डज है डू है डिड है ये कब लगता है, मेन वर्ब से पहले लगता है, एंड द वर्ड नॉट बिटवीन, और जो वर्ड नॉट रहता है ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगता है, ठीक है, इन द बेस फॉर्म, मेन वर्ब इन द बेस फॉर्म, ठीक है ना। एग्जाम्पल दिया हुआ है अफर्मेटिव का, मिसेस डेविड टीचेस फिजिक्स, जो मिस डेविड जो है फिजिक्स को फिजिक्स पढ़ाती है। इसका अफर्मेटिव का जब नेगेटिव में कैसे चेंज किए, मिस जोसेफ डज नॉट टीच फिजिक्स, ठीक है, मिस जो यानी डेविड पढ़ा रही है, अब जोसेफ का बात करें तो मिस जोसेफ डज नॉट टीच फिजिक्स। प्रिया कॉन्टेक्टेड मी, प्रिया जो है मुझसे कॉन्टेक्ट की, इसका नेगेटिव फॉर्म में कैसे चेंज किया, मीनू डिड नॉट कॉन्टेक्ट मी, मीनू जो है मुझसे कॉन्टेक्ट नहीं की, क्या क्या इसमें नाम चेंज कर दे रहा है, ठीक है, नाम को क्या होता है चेंज करके किस में चेंज कर दे रहा है, फिर नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करके शो कर रहा है। अब इंट्रोगेटिव टू नेगेटिव चेंज करना होगा तो कैसे करना होगा, कैसे होगा, इन द केस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, द सेंटेंस वर्ड सॉरी द नेगेटिव वर्ड नॉट, नेगेटिव वर्ड जो नॉट होता है कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट, कब आता है, सब्जेक्ट के बाद आता है, एंड बिफोर द मेन वर्ब, मेन वर्ब के पहले और सब्जेक्ट के बाद आता है नॉट वर्ब वर्ड, ठीक है। जैसे कि डज ही कम हेयर ऑफन, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, क्या वो यहाँ पे ऑफन आता है, डज ही नॉट कम हेयर ऑफन, क्या वो यहाँ ऑफन नहीं आता है, एक तरह का फॉर्म हो गया। दूसरा फॉर्म क्या हो गया, डजंट ही कम हेयर ऑफन, इस टाइप का सेंटेंस क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो यानी क्या होता है, इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव इनटू नेगेटिव क्या होता है कि इसमें क्या होता है, द नेगेटिव वर्ड नॉट जो होता है कम आफ्टर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है, एंड द एंड बिफोर द मेन वर्ब, मेन वर्ब से पहले आता है। इसमें जो रूल है बस ये रूल याद रहेगा तो क्वेश्चन क्या होता है इजिली बन जाएगा। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इन द केस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस डू नॉट और डोंट आर यूज टू चेंज अफर्मेटिव सेंटेंस इंटू नेगेटिव सेंटेंस। क्या हो रहा है, इन इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस केस में क्या होता है, डू नॉट और डोंट जो वर्ड होता है यूज किया जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए। जैसे कि कंप्लीट द स्केचेस फास्ट, स्केचेस फास्ट, डू नॉट कंप्लीट द पोर्ट्रेट सो फास्ट। तो क्या अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज करने के लिए क्या यूज कर लिया, डू नॉट या फिर डोंट यूज करने पे क्या होता है वो अफर्मेटिव टू नेगेटिव में चेंज होता है। आप एग्जाम्पल जैसे प्लीज लिव दिस हैवी बैग, प्लीज डोंट लिव दिस हैवी बॉक्स, क्या हो रहा है, क्या हो गया, डोंट लगा दिया, डोंट डू नॉट लगाने से क्या होता है चेंज हो जा रहा है, और यहाँ पे चेंज होकर दिखाया है, ठीक है। और उससे रिलेटेड ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज करने से कंप्लीट करने से और भी क्या होता है ज़्यादा समझ में आ जाएगा, और इसको सॉल्व किया आपको मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।